हम उस बावड़ी पर आ चुके हैं जिस बावड़ी के बारे में मंदिर में पंडित जी ने बताया था कि जिन माता बहनों को या जिन गाय भैंसों के दूध नहीं उतरता तो उस बावड़ी के अंदर कपड़े को भिगो कर पहनते हैं तो दूध चालू हो जाता है। तो यही वो बावड़ी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त लोकेंद्र सिंह राठौर। मैं मेहरबान सिंह पवार। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम दोनों खड़े हैं फन्ना जी गाँव में। यहाँ पर एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर भैरू जी की मूर्ति है। ये जो मंदिर है भैरू जी का मंदिर है। यहाँ पर ये चमत्कार है, यहाँ के भैरू जी को शराब चढ़ाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, यहाँ भैरू जी को शराब चढ़ाई जाती है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है, यहाँ पर कहते हैं कि भैरू जी की मूर्ति शराब भी पीती है। तो जानते हैं हम लोग क्या ये बात सही है या गलत है। तो यहाँ के लोकल लोगों से हम लोग मिलेंगे, यहाँ की जितनी जानकारी मिलेगी आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। और अगर अंदर परमिशन हुई तो अंदर के भी आपको डिटेल बताएंगे क्या सच में भैरू जी शराब पीते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर अभी तक आपने दुनिया का सबसे बड़ा चने का पेड़ का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा है, जल्दी से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये लोकेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो लोकेशन है ये जावरा नागदा बाईपास पर है। जावरा से 24 किलोमीटर दूर नागदा की तरफ जब आएंगे तब आपको ये मंदिर आपको मिलेगा फन्ना जी का। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं मंदिर के। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट और आप देख सकते हैं कितनी सारी पब्लिक आई हुई, काफ़ी दूर दूर से यात्री आए हुए हैं यहाँ पर। और आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑन रोड ही मंदिर है, रोड के किनारे ही मंदिर है। यहाँ पास में आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, ये है मंदिर का मेन गेट। जैसे एंटर करते ही कुछ इस टाइप का अंदर शॉप्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये प्रसाद वगैरह के लिए और काफ़ी छोटे बच्चों के खिलौने वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें, एंटिक चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पर मंदिर में भैरू जी की तस्वीरें वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ये मंदिर के पास हम आ चुके हैं, ये है मेन एंट्रेंस गेट और बाहर से कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। और यहाँ पर भी आपको प्रसाद की दुकानें दिखेंगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर। ये मेन गेट है, यहाँ से अब हम एंट्री कर रहे हैं। एंटर करने के बाद में ये अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख सकते हैं खुला चौक है। ये इतना बड़ा चौक है और अभी हम वहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर ऊपर क्या चीज़ें हैं, सारा नज़ारा देखेंगे और सारी डिटेल्स यहाँ से लेंगे। चलो चलते हैं अब ऊपर। देखो ये ऊपर कुछ इस टाइप से नज़ारा है, ये देख सकते हैं ये झरोके हैं और ऊपर से ये नीचे का कुछ इस टाइप से नज़ारा दिखाई देता है। इधर देख सकते हैं चारों तरफ खुला है ये। फिर एक रास्ता यहाँ पर पीछे से है, ये मंदिर आने का एक ये इस गांव में से होते हुए पीछे से भी रास्ता है, यहाँ से आ सकते हैं। ऐसे होते हुए अब हम बाहर जाएंगे, अभी मंदिर की छत पर ही है हम लोग। अब ये देख सकते हैं ये पूरा मंदिर का ऊपरी हिस्सा है और ये नीचे का प्रांगण एरिया आप देख सकते हैं। ये मंदिर में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर ये बकरे वगैरह हैं, थोड़े दो बकरे हैं। ये अंदर का कुछ इस टाइप से नज़ारा है, ये देख सकते हैं। अभी हम ऊपर वहाँ गए थे, जो अभी आपको लोकेशन दिखाई वो ऊपर से दिखाई थी इस पूरे मंदिर की, और अब हम मेन मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये दोस्तों मंदिर बहुत पुराना आप देख सकते हैं, इसका कलर वगैरह रेनोवेट किया हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं, देखते हैं मंदिर अंदर से कैसा है। ये देखिए कुछ इस टाइप से मंदिर बना हुआ है, काफ़ी प्राचीन टाइम का है। और ये है भैरव जी की प्रतिमा और ये है पंडित जी आके और राम देवनारायण जी की प्रतिमा और ये उनके सभी छः भाई है, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ भक्त लोग छत्र चढ़ा के जाते हैं, जिन जिन के अपनी मनोकामना पूरी होती है। और मंदिर कुछ इस टाइप से अंदर से बना हुआ है, देख सकते हैं गुंबद नुमा नहीं बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा प्राचीन टाइप का पुराने टाइप की डिज़ाइन है। और अभी यहाँ के बारे में और जानकारी हम पंडित जी से लेंगे, जो यहाँ के मुख्य पंडित जी हैं उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और आगे आपको ये भी बताएंगे कि भैरू जी महाराज को जो दारू का प्याला चढ़ता है तो वो भी दिखाएंगे आपको।
रोक लगानो पे आप रहे आगे नारा ले लो हाथ में नहीं बेटी पे चला ये देखिए दोस्तों भैरव जी महाराज का मदिरा चढ़ाया जा रहा है और ये देसी है। हाँ देसी है। और यहाँ की एक खासियत है जो देसी दारू होती है जब बाहर खोलते हैं तो उसकी स्मेल आती है बदबू आती है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। ये देख सकते हैं प्रसाद नहीं रखने नहीं लोगा, ना साहब आप लेवाना। ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों मैं बैठा हूँ फिलहाल मंदिर के पंडित जी के साथ में। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नारायण सिंह जी है। नारायण सिंह जी। अच्छा तो आप हमें थोड़ा यहाँ मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की कहानी है, क्या चीज़ें यहाँ थोड़े से। ये जैसे मंदिर बना था संवत 1131 में जी, और संवत 1135 में पूरा हुआ। अच्छा। उसके बाद में भैरव जी का जो जन्म यहाँ पर ही हुआ था फरना जी में। अच्छा। वो देवनारायण जी का घोड़ा लीलागढ़ के मुखारबंद से निकली हुई मूर्ति है, तो उस प्रतिमा को देवनारायण भगवान ने स्थापित की थी यहाँ पर। अच्छा अच्छा। उन्होंने स्थापित की थी जिसके बाद में यहाँ पर अंग्रेज लोग जो आया था अंग्रेज जी, तो उनके सिपाही आए थे अंदर, वो बोले शराब पीती है मूर्ति की, शराब पीती है। उनने शराब चढ़वाई, 5 बाटल दारू पिलाया, फिर उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, पोला पत्थर है ये तो के। पोला पत्थर, उन्होंने इसको माना नहीं। अच्छा। फिर उन्होंने उंगली डाली तो पूरा हाथ चला गया, हाथ जाने के बाद में पकड़ लिया पंजा वहीं, फिर उन्होंने मन्नत करी 24 भट्टी का दारू पिला। पंजा किसने पकड़ा? भैरव जी की मूर्ति ने। फिर उन्होंने 24 भट्टी का दारू पिलाया, 12 बकरा एक साथ में चढ़वाया, जिसके बाद उनका हाथ छोड़ा गया, तब छोड़ा गया। मतलब 24 भट्टी की दारू चढ़ाई और 12 बकरे चढ़ाए उन्होंने, 12 बकरे एक साथ। उन्होंने मन्नत करी कि अगर आप हाथ छोड़ दोगे तो ये चढ़ाऊंगा, उसके बाद में हाथ छोड़ा। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिल रही है, वीडियो लास्ट तक बने रहना, पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी सभी जगह आपको नहीं मिलती है, बहुत गहरी जानकारी आई जी, आगे बताइए। और उसके बाद में यहाँ 7 ठीप में रसोई पकती है, जो जगदीश्वर में चावल बनते हैं जी, ऐसे यहाँ फरना जी में स्लिम के नीचे 7 भांडे चढ़ाते हैं हम। अच्छा। 7 भांडे में रसोई पकती है, तो ऊपर अच्छा। से पकती पकती नीचे आती है, जो आँच लग रही है वो लास्ट में पकता है। अच्छा। पर ये केवल छठ के दिन होता है, माँ मीना की छठ के दिन होता है जी, ये अभी छठ गई इस पे माओ की, और ये भादवा की छठ पे होता है जी जी, ये दोनों छठ पे ही होता है। 7 ठीप में रसोई पकती है, उसके बाद में कई दूर दूर के लोग यात्रु यहाँ आते हैं, जिसकी सबकी मनोकामना हर चीज़ की लेके आते हैं, उनकी पूरी होती है यहाँ पर। किसी के बाल बच्चा नहीं होता, उसको बाल बच्चा भी होता है, यहाँ से गोद भरी जाती है, कोई मानता भी करते हैं, बकरा वगैरह चढ़ाते हैं, सभी का कार्य पूरा यहाँ से होता है। मेला भी गिरता है कार्तिक महीने 15 रोज का, आदिवासी लोग बहुत आते हैं मेले में। अच्छा। 15 रोज का मेला गिरता है, 11 के दिन सवारी निकाली जाती है देवनारायण भगवान की पूरे मेला क्षेत्र के अंदर, जिसके शरीर में अगर ये डाकन चुड़ैलन वगैरह रहती है ना। अच्छा। वो भी यहाँ पर दूर हो जाती है। अच्छा। वो 4 रोज 2 रोज रहती है, उनको सब प्रॉब्लम दूर हो जाती है उनकी। उसके बाद में माता जी की बावड़ी नीचे, वहाँ से जो जल ले जाते हैं, उसका जल पीने से मतलब बीमारी दूर होती है शरीर में, जिसके भाई बहन के थान नहीं उतरता है उसको दूध चालू हो जाता है। गाय भैंस भाई बहन किसी के भी अगर दूध नहीं आ रहा है अच्छा, तो वो यहाँ से जल ले जाते हैं माता जी के यहाँ से, और कांचली भिजोल के ब्लाउज गीला करके ले जाते पहना देते हैं तो दूध चालू हो जाता है। तो भिगोना यहाँ पर पड़ता है, भिगोना घर पर भिगो लो, बिल्कुल यहाँ से पानी ले जाकर भी भिगो सकते हैं, भिगो लो। और तो दूध है अपन को अभी पानी दिख रहा है, मतलब जिन माता बहनों को दूध नहीं आ रहा है या गाय भैंस को भी नहीं आ रहा है तो वो पहने जल ले जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा। और वहाँ से ब्लाउज पहना दो उनको। अच्छा। तो उससे जल दूध चालू हो जाता है, जैसे वो ब्लाउज झरता है ना जी जी, जल झरता है उसमें से वैसे दूध झरना चालू हो जाता है। ये बावड़ी नहीं, बावड़ी कितनी दूर अपने यहाँ से? यहाँ पास में रोड के नीचे। अच्छा, रोड के उस साइड ही है? रोड के उस साइड जी। तब दोस्तों ये बावड़ी भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में, तो पहले अभी हम पंडित जी की सारी बातें सुनेंगे जी। और उसके बाद में हर मनोकामना पाती लगन भी मिलती है, मतलब पाती भी मिलती है, जो लगन की भी मिलती है ब्याह शादी की। अच्छा। और कुआ होल की भी मिलती है, कुआ होल की भी आपको जितना पानी चाहिए गहरा इतना पानी भी देता है बाबा, उसकी भी पाती मिलती है। अच्छा। सरपंच वगैरह जो भी आप विधायक वगैरह जो भी कोई होते हैं उसकी सबकी पाती यहाँ पर मिलती है, हर कार्य की। अच्छा। उन सभी कार्य ले लो आप, मकान बनाना है क्या भी करना है
उस सब की पाती भी यहाँ पर मिलती है। तो पाती के लिए क्या वस्तुएं चाहिए होती है, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए? दो नारियल चाहते हैं, दो नारियल लाओ और एक दारू की क्वार्टर भैरव जी को। अच्छा। और दो नारियल अगरबत्ती प्रसाद, दो नारियल पूरा नारियल चढ़ता है देवनारायण भगवान के, भैरव जी के नारियल फूटता है। अच्छा। और दारू की भोग लेता है, भैरव जी को भोग दे दो दारू का, उसके बाद में आप पाती ले जा सकते हैं। पाती पाती रोजीना मिलती है, कोई दिन होता है? हाँ, डेली मिलती है, आठों दिन से मिलती है, रोजीना मिलती है, रोज ही मिलती है। कितनी बजे कितनी बजे तक? कोई दिक्कत नहीं आपको, मतलब मंदिर होता है बंद रात के 10 बजे, सुबह 5 बजे खुल, सुबह 4 बजे खुल जाता है, 4 बजे पूजन होती है, 1.5 घंटे की आरती होती है यहाँ पर। अच्छा। सुबह में 4 बजे आरती चालू होती है, 5:30 बजे लास्ट हो जाती है, और शाम को 8 बजे चालू होती है, 9:30 बजे खत्म हो जाती है। 1.5 घंटे की पूजन सुबह, 1.5 घंटे की शाम को होती है, और मंदिर के पट रात में 10 बजे बंद होते हैं। 10 बजे बंद हो जाते हैं ये अभी के लिए, मेले के लिए तो रात पूरा रात भर चलता है, मतलब 1 घंटा बंद रखता है मंदिर केवल, साफ सफाई के लिए बंद करते हैं हम। अच्छा। 1 घंटा। तो दोस्तों अभी पंडित जी ने जो बताया सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी मालवी भाषा में बोला, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश करी हिंदी में आपको समझाने की। तो जो भी इन्होंने बताया पाती, ये हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या होती है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो पंडित जी ने बता ही दिया कि यहाँ कोई फिक्स दिन नहीं है, पूरे हफ्ते, मतलब कभी भी आप आ सकते हैं और पाती ले सकते हैं। पाती के लिए भी इन्होंने बता दिया कि क्या चीज़ चाहिए, नारियल अगरबत्ती और एक शराब का देसी असम पवा बोलते हैं या क्वार्टर, वो भैरव जी महाराज को चढ़ता है, सिर्फ वो आपको लेकर आना होता है और पाती आपको मिले। पाती में कितना टाइम लगता होगा? कुछ पाती में करीबन घंटा भर, बस घंटा भर। एक आपने लगन का भी बताया था, लगन का क्या है थोड़ा सा मुझे बताइए? लगन की पाती मिलती है, अपन पर्ची लिखा, जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए आते हैं, उनके लिए तैयारी होती है, शादी की तैयारी जिनकी नहीं होती उनकी मन्नत कर लो आप। अच्छा। मन्नत कर लो, 8 रोज में या 10 रोज में आपका काम चालू हो जाता है वो भी। अच्छा। हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ से, कोई मनोकामना ये नहीं, बाकी जो आस्था लेके आते हैं उनकी आस्था पूरी होती है यहाँ। और ये मंदिर अपना कितना साल पुराना है वैसे? देखा मंदिर को तो बता दिया, 1000 वर्ष हो गया मंदिर को, 1000 वर्ष हो गया दोस्तों, 1000 साल पुराना मंदिर है सोच लो, और आज भी ऐसा कैसा है? ऐसा कैसा, संबत 1131 में बना था, संबत 1135 में इसका काम पूरा हुआ, दिल्लीपति नरेश पृथ्वीराज चौहान के राज्य में बना था है, और उग्या सूरज प्रताप जी पुजारी थे गुजर समाज के, उनको उग्या सूरज एक मोर सोने की मिलती थी देवनारायण जी की राजगादी के नीचे से, जिस मोर से ये मंदिर बनवाना चालू कर दिया था उनने, मतलब रोज सोने की एक मोहर मिलती थी पंडित जी को, पंडित जी को हमारे पूर्वजों को मिलती थी। अच्छा अच्छा। और एक मोर से ये मंदिर, मतलब उग्या सूरज एक मोहर मिलती थी, उस खर्चे में भगवान ही देते थे खर्चे, और मिस्त्री बुलाया था इन्हें मांडलगढ़ से, और जाबा जिला से बुलाया था लच्छीराम, मांडलगढ़ से सीताराम बुलाया था, मांडलगढ़ और चित्तौड़ और आसिन के बीच में आ गई ये मांडल चुराया, जी जी, मांडल से बुलाया था सीताराम जी और लच्छीराम जी, जाबा जिला का दोनों मिस्त्री ने बनाया था, इनको सपना देके बुलाया था देवनारायण भगवान ने। अच्छा, मतलब जो आपने नाम बताया इन मिस्त्रियों ने इस मंदिर का निर्माण किया था, और देवनारायण भगवान जी ने उनके सपने में आकर उन्हें बताया आने के लिए, और फिर देवनारायण भगवान स्वयं उनको आज्ञा बताते रहे, उस हिसाब से वो कार्य चालू करते रहे, आज्ञा देते रहे उनको, वैसे वो काम चालू करता रहे आदेश से, देवनारायण जी का आदेश था, और पुजारी पृथ्वीराज जी पुजारी थे, उनको एक मोहर डेली मिलती थी, वो खर्चा देते थे पूजा उन मिस्त्रियों का। अच्छा अच्छा। भगवान स्वयं देवनारायण जी ने ही बनवाया, उनके पैसे से, कोई हमसे नहीं लिया या कोई दूसरे व्यक्ति से भी लिया, स्वयं उनके पैसे से ये खजाना खोल दिया उनने, उससे बनता रहा मंदिर। दोस्तों ये देखिए कितने बड़ी चमत्कार की बात है कि भगवान ने खुद अपना मंदिर अपने ही खर्चे से बनवाया है। जैसा कि पंडित जी ने कहा है कि रोजीना पंडित जी को, जो इनके पूर्वज थे, उन्हें एक सोने की मोहर मिलती थी, उस मोहर के खर्चे से ही सारा ये मंदिर का निर्माण हुआ है, और जो भी खर्चा होता था सारे उसी चीज़ों से होता था। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ मुझे जाननी है जो यहाँ के बारे में, फन्ना जी का जो महल है इसके बारे में शायद अफवाह भी हो सकती है, या क्योंकि मैंने बचपन में सुनी थी जब मैं यहाँ नागदा में रहता था, हम 30-35 साल यहाँ रह कर गए, मेरी परवरिश यहीं की है, अभी कुछ साल 2010-11 के आसपास हम राजस्थान शिफ्ट हो गए चित्तौड़गढ़। हाँ। तो यहाँ ऐसा बोला जाता है कि ये फन्ना जी का महल उड़कर आया था, तो क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, ये तो बनाया गया यहीं, भगवान स्वयं देवना ने किसका इतिहास लिख रखा है अंदर, शिलालेख लग रही है। नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने बचपन में सुनी थी, नहीं, तो मैं आज आया तो मैं इस चीज़ को जानना चाह रहा हूँ कि वाकई सही है गलत है, क्योंकि अफवाह तो होती है। भगवान देवनाथ जी का अवतार हुआ था राजस्थान में जी, एक जिला भिलवाड़ा तहसील आसिन मालासर गांव है, छोटा सा गांव है मालासर, 6 किलोमीटर पड़ता है आसिन से, वहां पर इनका अवतार हुआ था। उसके बाद में इनका नानेरा था, उज्जैन में इनका मामा जी था, वहां पर गए थे, इसकी माता साड़ू लेके जा रही थी, उस समय यहां पर इनने रुके थे, रात का विश्राम किया था। अच्छा। रात का विश्राम किया, उसी समय इनने स्थापन ईंट वाली देवनारायण जी की मूर्ति होती, ईंट में वास करते देवनारायण जी, जो ईंट है उस ईंट में स्थापन इनने 5 ईंटों की स्थापन यहाँ पर दे दी थी देवनारायण भगवान ने, और यहाँ पर 11 कला बताई थी देवनारायण भगवान ने, घोड़े का जमीन से सवा ऊपर पांव और
घोड़े से सवात ऊपर पलान और पलान से सवात ऊपर अश्वार और अश्वार से सवात ऊपर पचरंग उड़ रही थी। ऐसी 11 कला ने बताई देवनारायण भगवान ने कलयुग का अवतार है। अच्छा। और उज्जैन में इनके मामा जी थे, वापस इधर से गए तब ये इस स्थान को बना गए। अच्छा। और यहाँ से देवनारायण भगवान संबत 999 में बैकुंठ धाम गए फरनाजी देवस्थान से। अच्छा। वापस बैकुंठ चले गए थे। बैकुंठ चले 999 में संबत 968 का अवतार है इनका। 968 का, हाँ संबत 968 का अवतार है और 999 में बैकुंठ धाम चले गए। 33 करोड़ देवता की स्थापन दे गए। भैरू जी को रात तिलक किया उन्होंने यहाँ का, और यहाँ पर भैरू जी की ज्यादा चलती है इस मंदिर में, मतलब कार्य भैरू जी की ज्यादा। इस गांव का नाम शुरू से फन्नाजी था या और कुछ पहले था? नहीं, इसका देवनारायण भगवान का घोड़ा लीलागर के नाम से इसका नाम एक पुरुष ने फड़का किया था जिससे फन्नाजी बोलते हैं इसको। शुरू से फन्नाजी नाम ही है गाँव का। फन्नाजी नाम ही है देवस्थान, देवधाम फन्नाजी करते हैं घोड़े। जी जी, उससे समय से इसका नाम फड़का फन्नाजी रख दिया, फड़के करने से। दोस्तों उनका लीलागर घोड़ा था। उन्होंने बोला कि मेरा भी तो नाम होना चाहिए, भगवान आपकी सवारी लेके चल रहा हूँ मैं, आप विष्णु है, विष्णु और वो गरुड़ अवतार था। तो जब भगवान ने बोला कि तुम्हारा तो हर जगह भगवान नाम रहेगा, मेरा नाम नहीं है, कि आपका नाम यहाँ पर करते हैं फन्नाजी धाम आपके नाम से रहेगा और धाम मेरी रहेगा और नाम आपका रहेगा गाँव का, ये घोड़े का नाम से गाँव का नाम है और धाम देव जी की यहाँ पर, तो देव धाम फन्नाजी भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर एक कगर का पाठ है, कगर जो होता है समुन्द्र में मिलता है वो। अच्छा। वो केवल एक तो यहाँ है फन्नाजी में, एक भेड़ द्वारिका में है। तो कगर जी का पाठ, कगर का पाठ है, लकड़ी है वो कगर जैसी। अच्छा अच्छा। उसको कगर के बोलते हैं, समुन्द्र में मिलता है वो, यहाँ कहीं मिलता नहीं है। तो और समुन्द्र में मंत्र द्वारा काटा गया, भगवान देवनारायण जी के चरणों में पड़ा हुआ है अभी भी वहाँ सामने। अच्छा। भगवान देवनारायण जी के चरणों में है। उस पाठ की ऐसी विख्यात है यहाँ पर कि जिस भाई बहन को संतान नहीं होती है उसकी गोद मांडी जाती है उस पाठ के सामने, भगवान देवनारायण जी की ज्योत के सामने देखती है वो, तो वो पाठ भगवान देवनारायण जी का दर्शन ज्योत में करवाता है, सामने ज्योत जल रही उसके अंदर उसको दर्शन होते हैं तो समझ लो कि पक्की उसकी गोद हो चुकी, जो मांगना चाहती है वो मिल जाता है उसको। अच्छा, संपूर्ण होता है, बालक मांगा तो बालक, बालिका मांगी तो बालिका, जो वो मांगती है। अच्छा, वो यहाँ पर मिल जाता है उसको दर्शन होते साथ साथ। और भेड़ द्वारिका में खड़ा है, यहाँ पर आड़ा गिरा हुआ है और वहाँ खड़ा जैसे अपन परिक्रमा देते हैं जी, तो वो रस्ते में आता है, वहाँ भेड़ द्वारिका में भी और एक फन्नाजी में, और इसको महापुरुषों ने डाल रखा जो भगवान से प्रतिदिन बात करते थे, उन ऋषियों ने डाल रखा है यहाँ पर भी। द्वारिका में एक पुजारी था जिससे भगवान कृष्ण अरुबरु बात करते थे, फन्नाजी में पतिराज पंडा पुजारी थे, उनसे भगवान देवनारायण जी अरुबरु बात करते थे, उनसे अरुबरु बात करते, हमारे पूर्वज में पिताजी थे उनसे अरुबरु बात करते थे। तो वहाँ पर उन द्वारिका वालों ने क्या किया, अपने बराबर तो कोई है ही नहीं, भगवान कृष्ण द्वारिकानाथ बात करते हैं, तो उनको कोर हो गया। जिसका कोर यहाँ पर कटे फन्नाजी में आके, द्वारिका के पुजारी का कोर यहाँ पर कटा, जिसको बड़ी द्वारिका मानी गई और उसको छोटी मानी गई। सबसे पहला तीर्थ यह जिसके बाद में एमपी में उज्जैन है, उज्जैन है, उज्जैन है फन्नाजी, जिसके बाद उज्जैन, दोनों का महत्व बराबर होता है। फन्नाजी चाहे यहाँ पर भैरव जी, वैसे वहाँ पे भी वहाँ पर भी वो भी इनने बिठाया, देवनारायण भगवान ने बिठाया उनको भी, भैरव जी को दारू का प्याला चढ़ता, प्याला चढ़ता है सब उज्जैन में। उज्जैन जिले में ही आता है ये फन्नाजी भी, लास्ट गांव उज्जैन जिले का, उज्जैन जिले का ये लास्ट है, आगे रतलाम जिला लग गया, ये उज्जैन जिले का लास्ट है। यहाँ पर भैरव जी दोनों एक ही जिले में, दोनों भैरव जी को शराब चढ़ती है एक ही जिले में, दोनों यहाँ पर ज्यादा चढ़ती है, वहाँ पर थोड़ी कम चढ़ती है और यहाँ पर अधिक ज्यादा चलती है भैरव जी को। आठ दिन पूजन करते हैं सब गुजर, एक ही बात की औलाद हम, आठ रोज की पूजन करते हैं, हमारा पांच परिवार है, मतलब एक पिताजी के पांच लड़के यहाँ पर शुरू से पूजा करते हैं, पूजा करते हैं 1000 वर्ष हो गया हमको पूजन, गुजर समाज से चौहान गोते हमारे 1000 वर्ष हो गया हमको पूजन करते करते यहाँ। अच्छा अच्छा। आप 1000 दर पीढ़ी आती हो रही, मतलब और पांच परिवार था, पांचों परिवार द्वारा हम पूजन आज भी यहाँ कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर सरकार का भी कुछ इंटरफेयर नहीं है, मतलब कि सरकार, हाँ सरकार ने कुछ भी नहीं लगाया यहाँ, है ना, कुछ एक कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी लगा हुआ नहीं सरकार का यहाँ, मतलब ये सरकार का अधीन नहीं है, अधीन नहीं है, जो बोलते हैं दूसरे को भी सरकार के अंडर में चीजें चली जाती है, तो वो चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, मतलब ट्रस्ट है मंदिर का, यहाँ यहीं के ट्रस्ट में, और खर्चा टोटल पुजारी का ही है जिससे कलर पोते करवा रहे, और हम तो क्या दे, बाबा ही दे रहे हमको, हमारे पास में क्या दे, वही दे रहे हैं, उनका धन उगे उनका ही मिल रहा हमको, हमारा पास तो पहले भी था अभी भी नहीं है, उनका सभी को मिल रहा है, उनके आशीर्वाद से मिल रहा है। और यहाँ पर गादी भी नहीं लगती, यहाँ देवनारायण जी की स्वयं गादी है, राज गादी, यहाँ गादी लगा के नहीं सोते हम। अच्छा। गादी नहीं लगती है, मंदिर की पेड़ी से ऊंचा मकान नहीं होता है यहाँ, वो भी नीचा रहता है मकान में, अंदर से पेड़ी से जितने भी आसपास बने सारे, और अगर उन्होंने ऊंचा बना लिया तो आग लग जाती है यहाँ पर,
ऑटोमेटिक जलने लग जाते हैं। मेन जो नींव होती है वो इसे नीचे ही होनी चाहिए। पहले बनाया था हमारा पूर्वजों ने तो वो जल गया। वो है 8 बीघा का, ये है 4.5 बीघा का है ये मंदिर का मेलवाड़ा जो है ना, ये 4.5 बीघा का है, 4.5 बीघा पर पूरा बना हुआ और 1.25 बीघा में माता जी की बावड़ी बनी हुई है और 500 जाग में नाफा ग्वाल का देवनाथ भगवान का ग्वाल है जो गाय चरा था। देवनाथ भगवान की 1,80,000 गाय थी, उनका मंदिर ऊपर टेकरी पर बना हुआ टेकरी पर। और कुल 1100 मोहर लगी थी फरना जी का मंदिर बनवाने में सोने की। कितनी मोहर लगी थी? 1100। कुल 1100 मोहर लगी थी और 750 रुपये दिए थे ब्राह्मण को दक्षिणे में, मूर्ता को स्थापन की थी मूर्त को जब ब्राह्मण बुलाए थे। जी जी, 1000 ब्राह्मण जिमाए थे यहाँ पर। वैसे मैं दर्शकों को बता चुका हूँ, फिर भी आप अपने हिसाब से ये जगह कहाँ आती है, कैसे क्या, थोड़ा सा यहाँ अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है ये बता दीजिए इसके बारे में। आने के लिए ये आने के लिए इधर आओ तो जावरा से बस द्वार आते हैं अपन, जावरा से, और इधर आओ जैसे जावरा मंसूर से रोड आ रही है जी जी, तो उससे आ जाओ इधर से, जावरा से यहीं रोड लग रहा, और इधर से अगर आओ आप तो नागदा खाचर उज्जैन से नागदा खाचर रोड निकला है, बननगर से आ रही है, रतलाम साइड से आ जाओ आप, चारों तरफ से रोड लग रहा है, और खाचर से 9 किलोमीटर पड़ता है, नागदा से 15 किलोमीटर पड़ता है, और जावरा से 22 किलोमीटर पड़ता है परना जी, और रतलाम से 35 किलोमीटर पड़ता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी जानकारी दी है। अच्छा पंडित जी, आपने जो बताई थी बावड़ी, क्या अपन बावड़ी देखने चल सकते हैं? चल सकते हैं सब, चल सकते बिल्कुल। हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम वो बावड़ी देखें। वहाँ पर है देवनारायण जी का, फन्ना जी का मंदिर, वहाँ से यहाँ आते हुए इस साइड आएंगे रोड क्रॉस करके तो ये बावड़ी दिखेगी यहाँ पर इस टाइप से कुछ। तो दोस्तों हम उस बावड़ी पर आ चुके हैं जिस बावड़ी के बारे में मंदिर में पंडित जी ने बताया था कि जिन माता बहनों को या जिन गाय भैंसों के दूध नहीं उतरता तो उस बावड़ी के अंदर कपड़े को भिगो कर पहनते हैं तो दूध चालू हो जाता है, तो यही वो बावड़ी है। अब हम इसके अंदर चलेंगे, पंडित जी हमारे साथ आए हैं और अब हम चलते हैं बावड़ी की तरफ। तो दोस्तों ये रही बावड़ी, तो चलिए अब चलते हैं हम बावड़ी के अंदर। पानी है पंडित जी इसमें? पानी है अभी है? है, है, है। ऊपर आने से पानी बारिश में ये अच्छा। दोस्तों मैं इस टाइप की मुंडेर पे खड़ा हूँ, आपको चारों तरफ से बताता हूँ ये बावड़ी कैसी है। ये देखिए इतना सा रास्ता है, बस मेरा फोन ना गिर जाए वरना सारा काम खराब हो जाएगा। देखिए दोस्तों बावड़ी, दोस्तों हम बावड़ी के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये सीढ़ियाँ ख़त्म होकर के पत्थर की सीढ़ियाँ हैं आ गई है, ये देख सकते हैं ये रही बावड़ी। थोड़ा और हम पास में जाएंगे, बावड़ी के अंदर अभी भी पानी है, थोड़ा सा कम है लेकिन ये देखिए ये कितने, ये कित 60 हाथ दोस्तों, ये 60 हाथ गहरी है। ये वाली 52 सीढ़ियाँ हैं ये टोटल सारी। अच्छा तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ से हम ऊपर से आए थे और वहाँ से लेकर यहाँ तक की इस बावड़ी की, बावड़ी के अंदर टोटल 52 सीढ़ी है 52। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये पंडित जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस स्थल के बारे में जान सकें और सभी को ये जानकारी मिले। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और जय भैरव जी की।